नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार दूसरे वनडे मुकाबले में रोहित हिटमैन ने रचा इतिहास, तोड़ा महारिकॉर्ड, 10 दिग्गजों को पछाड़ कर बन गए दुनिया में नंबर वन। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आखिरकार रोहित शर्मा ने वो कौन सा एक महारिकॉर्ड तोड़ा आज अपनी 44 रनों की पारी में। तो आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और वही दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में दूसरा वनडे मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान एरन फिंच ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। तो वहीं दोस्तों रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरे। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि भारतीय टीम ने आज ज्यादा शुरुआत में आकर हड़बड़ाहट नहीं दिखाई, क्योंकि पिछले वनडे मैच की तरह आज भारतीय टीम के दोनों ही ओपनरों ने शांति भरे मन से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई पड़े। तो वहीं दोस्तों पहली विकेट के लिए भारतीय टीम के दोनों ही ओपनरों ने 81 रनों की पारी खेली। हालांकि अगर हम बात करें रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा आज दूसरे वनडे मुकाबले में 44 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि वो 13.3 ओवर में एडम चांपा की एक गेंद पर LBW आउट हुए। लेकिन दोस्तों बाकी खिलाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर शिखर धवन अपने 76 रनों पर खेल रहे हैं और उम्मीद यही है कि वो आज अपना शतक लगा देंगे, और विराट कोहली भी काफी अच्छी पारी खेल रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों अब बात करते हैं रोहित शर्मा के उस रिकॉर्ड के बारे में। तो दोस्तों रोहित शर्मा ने आज के इस मुकाबले में अपना 13वां रन बनाकर वनडे क्रिकेट का एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। दरअसल हम आपको बता दें कि इस मैच से पहले रोहित शर्मा बतौर ओपनर 136 पारियों में 6987 रन अब तक बना चुके थे, जिसके बाद उन्होंने आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैच में 13 रन बनाते से ही ओपनर के तौर पर 7000 वनडे रन पूरे कर लिए हैं। वहीं दोस्तों रोहित शर्मा ऐसा करने वाले दुनिया के 11वें बल्लेबाज बने, जबकि सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग के बाद रोहित शर्मा ऐसे करने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। लेकिन दोस्तों अब बात आती है कि रिकॉर्ड क्या हुआ इसमें, वो तो उन्होंने 7000 रन ही पूरे किए। तो आइए चलिए अब बताते हैं आपको कि रिकॉर्ड क्या है। दरअसल दोस्तों 13 रनों की पारी खेलने के बाद रोहित ने न केवल बतौर ओपनर 7000 वनडे रन पूरे किए, बल्कि वो ऐसा करने वाले दुनिया के सबसे तेज बल्लेबाज भी बन गए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, रोहित शर्मा ने ये जो 7000 रन पूरे करने का कारनामा है ना, वो 137 पारियों में ही करके दिखाया, और आज तक कोई भी बल्लेबाज ऐसा कारनामा इतनी जल्दी नहीं कर पाया। जैसे कि आप यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हैं कि हाशिम आमला ने ये जो कारनामा था वो 147 पारियों में करा, वहीं जो सचिन तेंदुलकर ने ये कारनामा किया था वो 160 पारियों में किया, तिलक रत्न दिलशान ने 165 पारियों में किया, लेकिन आज रोहित शर्मा ने ये कारनामा मात्र 137 पारियों में ही करके दुनिया के इस सबसे बड़े रिकॉर्ड को आज अपने नाम कर लिया। तो ऐसे में दोस्तों अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका रोहित शर्मा के बारे में क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली रिकॉर्ड तोड़ने के मामले में कौन सबसे ज्यादा आगे है। अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पर शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली एक ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।